सीवरेज लाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढों से परेशान वार्ड 39 स्थित दयानंद नगर स्थानीय महिला पुरुषों ने पार्षद सुरजीत सिंह भमलोत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्षद सुरजीत सिंह ने बताया कि वार्ड 39 की कई कॉलोनियों में LNT कंपनी द्वारा पिछले कई महीनों से सीवरेज लाइन डालने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, जिन्हें भरा नहीं गया है। साथ ही कॉलोनी के कई घरों में शादियां हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीवरेज लाइन डालने के दौरान घटिया सामग्री का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसके बारे में उनके द्वारा नगर विकास न्यास को भी अवगत करवाया जा चुका है। उनकी प्रशासन से मांग है कि सीवरेज लाइन डालने के लिए प्रयोग में ली गई सामग्री की जाँच हो और गड्ढों को भरवाया जाए। मामला ये है कि 100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है UIT द्वारा और LNT द्वारा, जिसकी पिछले 2-3 दिन से खुदनपुरी रोड पर हंगामा हुआ। वहाँ पाइप निकलवा कर देखे गए तो बहुत ही घटिया स्तर का सामान उसमें डाला जा रहा है। जो नॉर्म्स में है, नियम और शर्तों के अनुसार जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। मोहल्ले वालों ने, कॉलोनी वालों ने और पार्षदगणों और समाज सेवी जो लोग थे, उन्होंने इसकी शिकायत नगर विकास सुधार न्यास से करी और LNT से करी और मांग करी कि आ करके इसकी जांच करवाई जाए कि ये काम सही हो रहा है कि नहीं, और हमको स्पेसिफिकेशन जो जी शेड्यूल वगैरह जो भी होता है उसकी एक कॉपी दी जाए और जांच कराई जाए। उन्होंने जांच बिल्कुल नहीं करी और उससे बिल्कुल कन्नी काटते रहे। इसके अलावा नगर विकास सुधार न्यास जो इसका नाम है वो सुधारने के लिए, पर उन्होंने बिल्कुल स्थिति ऐसी बिगाड़ दी कि LNT वालों को ये कह दिया कि काम को बंद कर दो। जांच कराने की बजाय काम को बंद करवा दिया गया।